तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज अहमद जयपुरी और आप देख रहे हैं मिस्टर व्लॉगर। सो गाइस, जयपुर के अंदर चल रहा है अभी ठंड का मौसम और हमारा जयपुर कभी शिमला से कम नहीं हो रहा फिलहाल तो, क्योंकि इतनी धुंध और शिमला का सारा मज़ा हम यही कर रहे हैं। ये सीज़न के अंदर एक मसला ये होता है कि हमारे जयपुर वाले पतंग बहुत उड़ाते हैं, तो उसी पतंगबाजी को देखते हुए हम आ गए इस पतंग के व्लॉग के लिए। तो शुरुआत करते हैं मांझे से। जो पतंग काटने के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो किरदार है वो मांझे का है, क्योंकि बिना मांझे के पतंग कटते नहीं है फिलहाल तो। तो आज हम आए हैं जयपुर के अंदर ईदगाह पारा मंडी। तो जैसा आप ये देख रहे हैं, पूरा दिल्ली बाईपास है और हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे बनता है मांझा। तो मांझा किस तरीके से बनता है ना वो आपको दिखाएंगे। तो चलो, क्या नाम है तुम्हारा? सलमान भाई। तो आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो यहाँ पर, ये इसी का ही प्रॉपर मांझे का ही काम है क्या आपका भी? चलो सही है। तो भाई जी देखो किस तरीके से मांझा बनता है, मतलब मसाले को हाथ में लगी किस तरीके से सादों को सूखा जाता है और बाद में इसको रख दिया जाता है सूखने के लिए, और फिर हमारी चरखियों में चढ़कर जो हमारे पास में आता है ना वो इस तरीके से आता है। मतलब इसकी फर्स्ट प्रोसेस यही है। ये देखो, ये है तैयार मांझा। ये हमारी नज़रों से तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये एक भाई है जो यहाँ पे चरखी में भर रहा है अपने लिए। ये है वो मसाला जिससे हमारे मांझे को धार मिलती है ना, ये वही मसाला है। और ये लगभग मॉर्निंग में बनता है और इस तरीके से लेके इसको हाथ में लेके से उबटना होगा ना, उस टाइप से इसको लेके जाते हैं। और ये है तैयार चरखियाँ, ठीक है ना। तो देखो ये है, इतनी मेहनत के बाद में कुछ इस तरीके से मांझा तैयार होता है। तीन गट्टे की ये गाइस, ये देखो ये मैदानी मांझा स्पेशल। अभी जो मांझा तैयार होना वो ये वाला है फिलहाल, दो गट्टे से। और देखो सबसे पहले ये जो चरखियाँ होती है ना वो इस तरीके से होती हैं, मतलब खाली जब होती है तो ऐसी होती है, और इसमें सीमेंट का कुछ लगाया जाता है कि टूटे नहीं और उसके साथ वजन भी बढ़ा रहे। उसके बाद में फिर इस तरीके से तैयार हो जाती है और आ जाती है हमारे हाथों में पेज काटने के लिए। तो कौन सी पतंग है? तावे की टुकड़ी। तावे की टुकड़ी, फुल साइज की होती है। अच्छा तो सलीम भाई कितने टाइम से काम कर रहे हो पतंग का? ये हो गया मुझे 35 साल। 35 साल से पतंगबाजी काम कर रहा हूँ ना। तो भाई जी देखो, ये है सलीम भाई, इनकी जैसे तो कारीगर है और फिलहाल तो, और इनकी दुकान जो है वो अपने पतंग वालों के अंदर में एच के बी गाइड सेंटर के नाम से। तो इन दिनों अगर आपको पतंग खरीदने का हो या जिस भी तरीके का मंजा, जिस भी तरीके की पतंगें चाहिए हो आपको, तो आप यहाँ पे एक बार आके विजिट कर सकते हैं। या आपको वैसे आपको हर चीज़ की, हर टाइप की पतंगें मिल जाएंगी। इनका कलेक्शन देखो कितना बड़ा है फिलहाल तो। तो जो मंजे की प्रोसेस मैंने आपको दिखाई थी वो लगभग सारी मंजे की चरखियाँ यहीं पर ही हैं, वो मतलब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है और इस जगह पर आके बनती है। अच्छा ये दिखाओ, तीन की दिखाओ। तो भाई देखो, ये जो चरखी है ये 3 मील की है फिलहाल, और इसकी कॉस्ट मात्र 350 रुपये, जो आपको लगभग 750-800 रुपये की मिलेगी नॉर्मल मार्केट में। इस जगह पे आपको मात्र 350 रुपये में मिलेगी यही चीज़, वो सेम क्वालिटी जो आपको वहाँ पर दिखाई हुई है यहाँ पर भी है। ये क्या है, सुल्तानी दरबार? तो भाई जी देखो, ये सुल्तानी दरबार मैदानी मांझा है और 350 रुपये की रेंज की, 600 रुपये की, सॉरी
कितने रील की है? ये 6 रील की है। तो गाइस देखो कलेक्शन देखो यार पतंगबाजी के अंदर, अगर आप देखोगे तो देखो हर टाइप के इसके अंदर तीन कलम उसका 3 रील की, 4 रील की, 6 रील की, हर टाइप की चरखी आप मिल जाएंगे आपको। ये दिखाते देंगे आप, ये देखो 3 रील की चरखी है, 400 रुपए की, बढ़िया मैदानी, ठीक है। एक ये लो गुजरात वालों के लिए बढ़िया डोर पांडा ग्लाइडर 450 रुपए की। एक ये लो फैंसी वाला पांडा 550 रुपए का, देखो चरखी देखो शानदार। एक ये लो 6 रील पांडा NRK गोल्ड 850 रुपए की, मतलब प्रीमियम से प्रीमियम क्वालिटी का मांझा आपको इस दुकान पे मिल जाएगा इनके पास में। ये शकूर लड्डन की डोर है ओरिजिनल, 1-2-3 की डोर है, पर दिखाओ। अच्छा लड्डन उस्ताद की डोर वर्धमान कंपनी के अंदर मात्र 1100 रुपए। एक ये लो उस्ताद खतीजा 950 रुपए। अब ये देखो भाई इतने बड़े बड़े उस्तादों के नाम है जो हमें याद भी नहीं है, उन कभी मांझा यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। बच्चों के लिए 120 रुपए की मांझे की चरखी। अच्छा ये भी मंजी की चरखी है 60 रुपए की। और भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, वैरायटी है, सादा वगैरह भी मिलता है ना, सब 150 रुपए की, 180 रुपए की, 300 रुपए की। ये देखो भाई सिद्धू मूसे वाला लेजेंड, 300 रुपए में ले जाओ घर पे अपने। और देखो स्थान झालर वाली 400 रुपए की, 100। ये देखो गाइस बच्चों के लिए भी पतंगें अवेलेबल है यहाँ पर, सारी मिल जाएगी अपने पास, पूरी रेंज मिलेगी। ये लो कागज की 200 रुपए से स्टार्ट, 200 रुपए की 100। ये देखो गाइस मात्र 2 रुपए की पतंग पड़ रही है आपको यार, 250 रुपए की 100, 350 रुपए की 100, बढ़िया पतंग चाहिए जो आफ्टर मार्केट सेल हो रही है भी 10 रुपए की, हमारे यहाँ मिलेगी 450 रुपए। और देखो गाइस 50 रुपए और डिस्काउंट आपको हर चीज के लिए। बरेली 600 रुपए की 100। ये लो सुपर बरेली 800 रुपए की 100। एक ही वैरायटी दिखाओ ना, दिखाओ क्लोज करके। ये मैदानी पतंगे बढ़िया पतंगे 1000 रुपए सैकड़ा। एक किलो फूल दाल 800 रुपए की 100। 800 रुपए की 100 किलो 800 रुपए में पोना साइज, सब जगह घूम लेना कहीं भी नहीं मिलेगी। लाइन वाली सिक्योर तिल्ले की बरेली की पतंग 400 रुपए की 100। एक किलो 400 रुपए की 100, 4 रुपए की पड़ रही मात्र ये। तो गाइस देखो इस उड़े उड़ा लेना बाकी बेच देना, इस क्वालिटी की पतंग आपको मात्र 4 रुपए की पड़ेगी, ओनली 4 रुपए की पड़ेगी आपको। तो इस दुकान की जो लोकेशन है मैं आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उनके भाई का नाम, भाई आपका नाम क्या बताया इसके अंदर? ये पुरेशी, दुकान का नाम है हमारी न्यू एज के भी पतंग वाले, बड़ के पेड़ के सामने हंडीपुर मार्केट के अंदर। ये देखो कौवा पतंग सबसे ज्यादा फेमस पतंग होता है, 800 रुपए का। तो और भी बाकी हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, जो भी कस्टमर मांगेगा उसकी रिक्वायरमेंट सारी मिल जाएगी, मतलब रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल है, मतलब एक बार आप आओगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बढ़िया बढ़िया पतंग दिखा दो इस टाइप के बॉक्स के अंदर, यहाँ पर पैकेजिंग होती है, मतलब खुद की मैन्युफैक्चरिंग है बेसिकली, बाकी जो पैकिंग आती है बाहर से भी पतंगे एक्सपोर्ट करवाते हैं और अपनी बेचते भी हैं बाहर की तरफ। तो देखो आप पतंगों की क्वालिटी देखो आप यार।